वेलकम हीलिंग फर्स्ट 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है अगस्त 2021 के बारे में कि किस तरह की गाइडेंस आ रही है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम में कोई से भी एसेंडेंट मास्टर हो सकते हैं, आपके गार्जियन एंजल हो सकते हैं और कोई भी आपके साथ में यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, आपके पावर एनिमल या स्पिरिट एनिमल। तो ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में आपके लिए, ब्लेसिंग्स, लव, रिलेशनशिप, कैरियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और आपकी क्या लेसन्स रहेंगे। और आपके लिए यहाँ पर रखे हैं चार ऑप्शन, नंबर 1 और नंबर 2, ए और बी। सर्कल से चूज कर सकते हैं, स्क्वायर से चूज कर सकते हैं, कलर से चूज कर सकते हैं, नंबर और अल्फाबेट से चूज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल के साथ में तो आपसे यही कहना है कि आपको अगर वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग फिर से वापस आए हैं और जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ में, आपका यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपके यहाँ होने के लिए आभारी हूँ। आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए थैंक यू सो वेरी मच, दिल से आपका बहुत सारा शुक्रिया। तो आज की रीडिंग के लिए हम लेंगे कुछ चैनल मैसेजेस भी। जो लोग इंस्टाग्राम से जुड़े हैं उनको पता ही होगा, कुछ दिन पहले ये मैसेजेस मैंने लिए थे, तो देखेंगे इसमें से भी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हम कुछ कार्ड्स भी लेंगे जिससे कि आपको चुनने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर नंबर 1 के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है सीरेनिटी का। तो यहाँ पर नंबर 2 को क्या गाइड करना चाहता है यूनिवर्स। आपके लिए जो नंबर 2 के लिए जो कार्ड है ये कार्ड है ट्रूथ और इंटीग्रिटी का। तो देखते हैं नंबर 1 को क्या गाइड करना चाहता है यूनिवर्स यहाँ पे। तो नंबर 1 के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है सपोर्ट का। मैं तो पहले ही कह रही थी आपसे कि आपकी स्पिरिचुअल टीम है यहाँ पे, तो बिल्कुल है। और आपके लिए नंबर 2 के लिए, इनकी अल्फाबेट बी के लिए जो कार्ड है ये कार्ड है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। तो नंबर 1 के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है सीरेनिटी का। नंबर 2 के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है ट्रूथ और इंटीग्रिटी का। अल्फाबेट ए के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है सपोर्ट का। अल्फाबेट बी के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। तो वीडियो पॉज करके आप अपने लिए कोई सभी एक कार्ड चुन लीजिएगा, एक ऑप्शन चुन लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे, आपके ऑप्शन पे। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। वेलकम नंबर 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो कुछ कार्ड हमने ले रखे हैं और कुछ कार्ड रीडिंग के दौरान लेंगे आपके लिए, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए और आप बोर ना हो जाएं। आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है क्वीन ऑफ अर्थ का। ये कार्ड आपके लिए बात करता है आपके कैरियर की। थॉटफुल, क्रिएटिव, वार्म एंड सेंसिबल। तो यहाँ पर आपको अपनी कैरियर के लिए कुछ, कैरियर के लिहाज से आपको कुछ समय निकालना होगा। आपको अपने कैरियर के लिहाज में कुछ गंभीरता बरतनी होगी और आपकी लाइफ में कोई ऐसे चैलेंजेस होंगे जिनके लिए आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी कि आपको जो भी काम करना होगा अपने कैरियर के लिहाज में, आपको फोकस्ड जो अटेंशन है उसके साथ में करना होगा, अपनी पावर को इकट्ठा करना होगा और अपने माइंड को कूल और काम रखकर काम करना होगा। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर कोई आपको बहकाने की कोशिश करे या फिर आपको जो भी आप तक कोई न्यूज आ रही हो या फिर आप तक कोई मैसेज आ रहा हो, कोई आपको पहुंचा रहा है, चाहे वो आपके टीम मेंबर हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके लोग हैं, जो भी हैं, उनसे आप पहले उन सारी बातों की जो सत्यता है यानी कि जो भी सच्चाई है उसको जान लीजिएगा, उसके बाद ही किसी चीज में रिएक्ट कीजिएगा। किसी पॉलिटिक्स का शिकार होने से आपको इस मंथ में बचना है। कैरियर के लिहाज से आप जो कुछ भी करें उसमें एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए और जो कुछ भी आप करते हैं उसमें आपको सोच समझ कर ही कोई कदम उठाना है। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत आपके लिए कैरियर के लिहाज से ये टाइम पीरियड रहेगा। द चैरियट का कार्ड भी आपके कैरियर की ही बात करता है। आर्चेंजल मेटाट्रोन का यहाँ पे कार्ड है। एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे आपके काम को सराहा जाएगा। जब आप फोकस्ड अटेंशन के साथ में काम करेंगे तो आपके काम को सराहा भी जाएगा और कैरियर में आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपकी जो भी चीजें हैं वो आगे की तरफ ग्रोथ करेंगी। आपका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा और आपको पब्लिक में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यानी कि जो भी एफर्ट्स आप डालेंगे अपने कामों के अंदर उसके रिजल्ट आपको इस मंथ में जरूर मिलने वाले हैं। एक सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जी आपके लिए जरूरी रहेगी। फोकस रहना आपके लिए जरूरी रहेगा अपने कैरियर के लिहाज से, और साथ ही साथ जिन कामों को आप करना चाहते हैं उनमें आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को भी बैलेंस करना होगा। इस रीडिंग को एज ए गाइडेंस लीजिएगा। जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम या आपके एंजल्स या स्पिरिट यूनिवर्स आपको कहना चाहता है ये रीडिंग है इसी बारे में। आपके लिए मैसेज है बी विलिंग टू फॉरगिव का। Ask the angels to clear your mind and body of past pain in exchange for peacefulness.
ये मैसेज जो है ये आपकी फाइनेंसिस के बारे में है। ये कहता है आपसे कार्ड कि अपने माइंड को, अपने थॉट को और अपनी बॉडी को उस पास्ट के पेन से अलग कीजिए और अपनी बॉडी में वो पीसफुलनेस लेकर आइए, जिससे कि आपका जो मनी के साथ रिलेशन है वो अच्छा हो सके। इसके लिए आपको अपने एंजल से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि पास्ट में आपके मनी के साथ में जो भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो आपको परेशान होकर मिली है या फिर आपके मन में ये थॉट पैटर्न रहता है कि मनी बहुत मुश्किल से मिलती है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, उसे खर्चना बहुत मुश्किल है, उसे खर्चना नहीं चाहिए, उसे बचा के रखना चाहिए। जब हम मनी को खर्चते नहीं है, उसे हमेशा बचाते रहते हैं, तो वो सर्कुलेट नहीं होती है एनर्जी, यानी कि वो घूमती फिरती नहीं है, वो वहीं पे रुक जाती है, एक जगह जाम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, एक जगह मनी को रोकना नहीं है, जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उनमें आपको खुद को भी माफ करना है, जो भी आपने मनी के लिए अपना बिलीफ सिस्टम बना रखा है और जो भी आपने सीखा है जीवन में, और वो आपके लिए ब्लॉकेजेस का अगर काम करता है आपको लगता है, आपको अपने एंजल से रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी पास्ट का पेन है उससे निकाल कर आपकी जो एक पीसफुलनेस वाला रिलेशन है मनी के साथ में क्रिएट किया जाए, ताकि आपके मन में ये बिलीफ सिस्टम रहे कि जो पैसा है वो आराम से कमाया जा सकता है। एक हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में पैसे को कमाने के लिए, एक जैसे होता है ना कि बस एक इसी को निशाना बना लिया है, बाकी सब कुछ आपने अपना खराब कर लिया है, तो वो नहीं रहना चाहिए। तो इस टाइम पीरियड में वो रहेगा भी नहीं, इसके लिए अपने एंजल से आपको रिक्वेस्ट जरूर करनी चाहिए। कैरियर के लिहाज से, फाइनेंसिस के लिहाज से आपके लिए मंथ बहुत अच्छा है, आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपकी विक्ट्री ही है। आपके लिए यहाँ पे हेल्थ के लिए मैसेज है। वैसे यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ आपको कि जो भी आपकी हेल्थ की इश्यूज हैं, अगर आपको मेडिकल या प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत है तो आपको वो जरूर लेनी चाहिए, उसको रिप्लेस नहीं करती है टैरो कार्ड रीडिंग्स, बस ये आपके लिए एक जनरल गाइडेंस है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनसे कंसल्ट करना चाहिए, क्या आपको खाना है, किस तरह अपनी डाइट में आपको क्या ऐड करना है, क्या आपको वहां से हटाना है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, इस चीज के लिए आपको जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो अच्छा गाइड कर सकते हैं। आपको उनसे मिलना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी फूड को ही कंज्यूम करें। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है रिट्रीट का, ये मैसेज है आपके रिलेशनशिप के लिए। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर अपने पार्टनर को आप समय नहीं दे रहे हैं पिछले काफी वक्त से, तो जरूर दीजिए। अगर रिलेशनशिप को लेकर आप लोगों के बीच में कोई परेशानियां हैं, कोई टेंशन है, तो ये मंथ बहुत अच्छा है अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, उनको हेल्दी बनाने के लिए। जब तक आपके रिलेशनशिप भी एक दूसरे के साथ हेल्दी नहीं होते, तब तक भी चीजें ठीक नहीं होती। तो अगर आपकी इस मंथ में एनिवर्सरी है या फिर आपका बर्थडे है या आपके पार्टनर का बर्थडे है, तो एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा समय उनके लिए निकालिए ताकि वो आपके साथ में टाइम को एंजॉय कर सकें या आप एक दूसरे के साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। ये मैसेज है आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में। रिकवरी इज नॉट अ गोल बट अ प्रोसेस। आप कभी भी, आप अगर चाहते हैं कि इस मंथ में आपके जो कोई भी लोग हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप रिपेयर हो जाए या रिन्यू हो जाए, तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे आपका दिल दिमाग जो है आपका साथ नहीं दे रहा है, कुछ लोगों से बात नहीं करने से, या फिर आप टेंशन में हैं, या फिर आप लोगों की मदद चाहिए, अपने दोस्तों की मदद चाहिए, तो बिल्कुल आप लीजिए। लेकिन हर इंसान आपका दोस्त इस महीने में नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश भी करें, तो उनके लिए आपको अपनी इंट्यूशन का यूज करना होगा कि किस तरह के लोगों के साथ में आपको बातचीत करनी है, यानी कि जो लोग भी आपसे जुड़ते हैं उनका मोटिव आपके सामने क्लियर होना चाहिए। इसके लिए अपनी इंट्यूशन को सुनते रहिएगा। तो यहाँ पर आपको स्पिरिट यही कह रही है कि आपको पास्ट की चीजों में नहीं पड़े रहना है, पुरानी बातों को नहीं सोचना है। अगर किसी रिलेशनशिप को हील करने का आपको लगता है कि करना है आपको, तो जरूर कीजिएगा। यहाँ पर वैसे भी मैसेज है आपके लिए रिट्रीट का। तो अगर ये आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, जिनके साथ भी आप रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, उनके साथ जरूर कीजिएगा। आपके लिए जो ये नेक्स्ट मैसेज है, ये नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप मदर मैरी की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। जो मदर मैरी हैं वो कंपैशन, एम्पैथी, काइंडनेस, हीलिंग और लव की एनर्जीज में होती हैं। तो मदर मैरी आपको यहाँ पे यही सजेस्ट कर रही हैं कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए इस मंथ में, और जो भी आपके पाथ में आता है, आपके रास्ते में आता है, उसको इन्हीं हायर क्वालिटीज से टच करने की कोशिश कीजिए, यानी कि कंपैशन, एम्पैथी, काइंडनेस, हीलिंग और लव के साथ में। और वो आपकी लाइफ के अंदर, ये जो भी सिचुएशन है वो आपको आपकी लाइफ के अंदर ब्लेस करेंगी इन सारी एनर्जीज के साथ में। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो लव है वही सिर्फ एक वही चीज है, इसलिए आपको यहाँ पर फॉरगिव भी करना चाहिए। तो लव की एनर्जी सी होती है, कभी भी हेट नहीं रखना चाहिए। तो आपको यही कहा जा रहा है मदर मैरी के द्वारा भी कि यहाँ पर आपको हीलिंग और लाइट से कनेक्ट होना है, और आपके जो एंजल्स हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए एक कार्ड मैंने आपके लिए पहले से ही ले रखा है, ये कार्ड है वाता का।
ये कार्ड आपसे यही कहता है कि जब आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है तो आप अपनी लाइफ की जो आइडियाज़ हैं उन पर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ को कहीं एक जगह सेटल कीजिए। इस मंथ में आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप जो कुछ भी करें उन सब में आपकी जो क्रिएटिविटी है झलकनी चाहिए, आपके आइडियाज़ जो हैं वो झलकने चाहिए। तभी यहाँ पर भी आपको फोकस एनर्जी के साथ में भी काम करने के लिए कहा गया है और यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज है क्रिएटिव का। वैसे आपके मन में बहुत कुछ रहेगा इस मंथ में चेंज करने का, जैसे आपने प्लानिंग कर रखी है कि आपको कुछ ना कुछ बड़ा बदलना है। ये आपके लिए बदलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले काफी समय से आप अपनी चीजों को चेंज तो कर रहे हैं लेकिन जैसे एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आप लाना चाहते हैं वो इस मंथ में आपने सोच रखा है। तो जो कुछ भी आपने सोच रखा है वो बिल्कुल यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कीजिए और उन चीजों के रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। मंथ में आपको आइडियाज आते रहेंगे, आगे बढ़ने की आप कोशिश करते रहेंगे और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी आपको इस मंथ में मिलती रहेंगी। तो अपने आप को अलाउ करना है आपने कि आपके जो थॉट्स हैं उनके रिदम के साथ में आप आगे चल सकें, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस आपको गाइड कर रही हैं, आपके थॉट आपको गाइड कर रही हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं, उनको इस मंथ में सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी चीजें डाउनलोड होंगी आपको इस मंथ में, इसके लिए भी आपको बहुत अवेयर रहना चाहिए और ये भी मानना चाहिए कि आपके लिए जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। ओवरऑल वैसे आप बहुत पीस और शांति में हैं क्योंकि आपने कार्ड भी चुना है सीरेनिटी का, जो कार्ड बात करता है पीस ऑफ माइंड की, यानी कि इस मंथ में आपके लिए पीस ऑफ माइंड ही आपकी प्रायोरिटी रहेगा और आप उसको किसी भी कीमत पे दांव पे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए स्पिरिट से, यूनिवर्स से, आपके एंजल्स की तरफ से। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है ओपन कम्युनिकेशन का, गेट ए बिट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो यहाँ पर अगर आपको किसी से बात करने की जरूरत है, अपने किसी रिलेशन को ठीक करने की जरूरत है तो जरूर। आपके लिए ब्लेसिंग है सबसे बड़ी कि आप अपनी जो भी बातें हैं इस मंथ में कह पाएंगे, जो रिश्ते हैं उनको आप सुधार पाएंगे, चाहे वो आपका पैसों के साथ में हो, दोस्तों के साथ में हो, लोगों के साथ में हो, वो आप आराम से ठीक कर पाएंगे। फेथ का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो आपको किसी के साथ में उनकी तरह नहीं बनना है, आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए और आपको उसी एनर्जी को देखना है जो कि आपको मदर मैरी ने यहाँ सजेस्ट की है, लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस की। जितना ज्यादा आप इस तरह की एनर्जीज में नहीं पड़ेंगे, उनसे बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखते हैं कि जो न्यू चैनल मैसेजेस हैं उनमें से आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस और मैसेजेस आते हैं। यहाँ पर आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। ओके, यहाँ पे चार मैसेज तो अपने आप ही गिर गए हैं, इनको ही ले लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर पहला मैसेज है हग योरसेल्फ का। तो यहाँ पर आपको खुद से प्यार करने की जरूरत है, खुद को सहलाने की जरूरत है, खुद को केयर करने की जरूरत है और खुद को एक बार प्यार से हग करने की जरूरत है। जब आप खुद को एक बार गले लगाते हैं तो आप खुद से प्यार करते हैं और वही वाइब्रेशंस जो हैं आपकी ऑरा में फैलती हैं और जो लोग भी फिर आपको मिलते हैं वो आपको वैसे ही मिलते हैं। तो सबसे पहले आपका खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। आर्चेंजल राफेल का मैसेज है आपके लिए चैनल मैसेजेस में से। तो बिल्कुल आर्चेंजल राफेल इस मंथ में आपको गाइड करेंगे, आपको उनके साथ में कनेक्ट रहना चाहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहना चाहिए। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, तो आप अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उनसे लर्न करते रहिएगा और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहिएगा। आपको फॉरगिव करते रहना है लोगों को, अपनी कंपैशन वाली एनर्जी के साथ में आपको फेथ रखना है कि आपके लिए चीजें ठीक होंगी। अगर कोई आपके साथ कुछ खराब कर भी देता है तो उसकी वजह से आपको अपना विश्वास जो है वो नहीं तोड़ना है, आपको अपना फेथ बनाए रखना है। गाइडेंस फ्रॉम मून, ओके, यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स के जो डेक के जो है नाम चैनल मैसेजेस में मुझे आए थे। तो जब आपके लिए कभी भी चैनल मैसेजेस में से डेक का नाम आएगा तो उसमें से हम आपके लिए कार्ड लेंगे। तो हम गाइडेंस फ्रॉम मून से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आना चाहता है। यहाँ पे जरूर बताइएगा आपको ये चैनल मैसेजेस कैसे लगे। तो यहाँ पर नंबर वन को क्या गाइड करना चाहता है यूनिवर्स। ओके, प्रैक्टिकल अप्रोच, तो आपके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो मस्ट रहेगी इस मंथ में। तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर कीजिएगा। पजल्स का मैसेज है, कुछ चीजें आपको पजल कर सकती हैं इस टाइम पीरियड में, तो आपको शांति बनाए रखनी है, वो चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। कभी भी कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं आती। एम का मैसेज है आपके लिए, तो अपने निशाने को आपको साधते रहना है, आपके अपना फोकस आपको बनाए रखना है और इसी तरह से आगे बढ़ना है। बिहाइंड द सीन, ओके, तो ये आपके लिए बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है और आपको इसके बारे में पता भी चलेगा, लेकिन वो तभी पता चल पाएगा जब आप अपनी इंट्यूशंस के साथ में कनेक्टेड रहेंगे।
तो ये है आपके लिए अगस्त मंथ की एनर्जीज। तो होप कि आपके लिए ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो, मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके ही जाइएगा, और अगर आपने कोई अदर पायल सुनने का सोचा था तो उसे भी जरूर सुन लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम नंबर टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर आपको यूनिवर्स, आपके एंजल्स और यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको क्या गाइड करना चाहती है। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है अवेकनिंग का, और ये कार्ड है आपके कैरियर के लिए। दोनों कार्ड मैंने आपके कैरियर के लिए निकाले हैं और दोनों ही बहुत खूबसूरत कार्ड हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कार्ड है मेजर अरकाना के। पहला कार्ड है अवेकनिंग का और दूसरा कार्ड है द वर्ल्ड का। ये दोनों ही सिचुएशन में आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है करियर के लिहाज से, और बहुत कुछ चीजें आप सीखेंगे भी इस मंथ में। आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है अवेकनिंग का, आर्चेंजल गैब्रियल का, और आपके लिए द वर्ल्ड के कार्ड में है आर्चेंजल माइकल। तो इन दोनों के साथ में कनेक्ट होना आपके लिए इस मंथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कनेक्ट रहिएगा, प्रेयर करते रहिएगा इनसे, ताकि आप इनकी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट रहें और ये आपकी हेल्प करते रहें। तो आपको कैरियर में कुछ ना कुछ चीज़ों में एकदम से समझ नहीं आएगा इस मंथ में कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपको अपनी सिचुएशन में एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश करनी होगी। कोई काम क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी इन बातों को समझना। एक नया जो व्यू है आपकी लाइफ में आएगा कैरियर के लिहाज से, यानी कि चीजों को आप एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड भी आपके लिए यही बात कहता है, आपके लिए कोई सिचुएशन चेंज हो रही है। अवेकनिंग का कार्ड और द वर्ल्ड का कार्ड आपकी किसी ऐसी सिचुएशन के चेंज होने की बात करता है जहां पे आपके लिए कोई सर्कल कंप्लीट हो रहा है और आप उस जगह से बाहर निकल रहे हैं। आप अगर बहुत समय तक किसी एक जगह पर रुके हुए थे, या फिर आप किसी जॉब को चेंज करना चाहते थे, अपने कैरियर में कुछ चेंज लाना चाहते थे, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके ये मंथ। क्योंकि ये नंबर भी अगर आप देखें 1221, तो यहाँ पर जो एंजल्स हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हैं आपके लिए। हो सकता है आपको एंजल्स नंबर भी बहुत दिखाई दे रहे हो, या फिर इस मंथ में दिखाई दें, या फिर आपको फेदर्स मिल रही हो। जो कुछ भी है आपको यूनिवर्स साइन दे रहा है, जिसका यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मुझे इंट्यूशन है, यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, आपको बहुत ज्यादा ना मोटिवेट कर रहा है कुछ चीजें करने के लिए। आपका मन तो अंदर तक भरा हुआ है कोई काम करने के लिए, लेकिन कुछ सोचते सोचते आप रुक जाते हैं। लेकिन इस मंथ में आप जरूर कुछ ना कुछ करने वाले हैं ऐसा, जो कि एक बड़ा शिफ्ट लेकर आएगा आपके करियर में। ट्विन फ्लेम का कार्ड है और ये कार्ड निकला है आपके फाइनेंसिस के लिए। द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। तो आपके पार्टनर यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके फाइनेंसिस के अंदर। हो सकता है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या आपके कैरियर में कुछ आप कर रहे हो, वहां अपने पार्टनर के साथ मिलकर आप कोई बहुत बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हो। नंबर भी आपके लिए वैसे हैं, एनर्जीज भी आपके लिए वैसी हैं, जो कुछ चेंज करने की बात करती हैं। यहाँ पर आपको अपने ट्रू सेल्फ के साथ में कनेक्ट होने की जरूरत रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जहां पर, अगर आप ट्विन फ्लेम के रिलेशन में नहीं है, तो ये आपका जो कैरियर में शिफ्ट आएगा, ये आपको बिल्कुल ट्विन फ्लेम के रिलेशन में लेके जाएगा। पर जो एनर्जीज हैं वो कहती हैं कि आप ऑलरेडी किसी ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप के अंदर हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो आपके कैरियर के अंदर आपका ट्विन फ्लेम बहुत ज्यादा ग्रोथ करने में आपकी मदद कर सकता है। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर जो कार्ड है, वो कार्ड है अल्टरनेटिव मेडिसिन का। लेकिन एक डिस्क्लेमर भी है साथ में, जो टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं वो कभी भी आपके प्रोफेशनल या फिर जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं उनको रिप्लेस नहीं करती हैं। इसलिए आपको जो जरूरत हो उसके लिए आप अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है वो जरूर लीजिएगा। ये आपके लिए सिर्फ एक गाइडेंस है, इसे गाइडेंस की तरह ही लीजिएगा। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी टू द आइडियल हीलिंग ट्रीटमेंट मॉडलिटी एंड फॉर गिविंग मी क्लियर साइन एंड मैसेजेस टू वैलिडेट द बेस्ट पाथ फॉर माई वेलबींग। तो अगर आपको अपने लिए कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कोई मॉडलिटी समझ में नहीं आ रही है, तो आप आर्चेंजल राफेल से यहाँ प्रेयर कीजिएगा कि आपको वो रास्ता मिले, वो फिजिशियन मिले, वो मॉडलिटी मिले, जिससे कि आप आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ कर सकें। आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर मैसेज है हीलिंग फैमिली इश्यूज का। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। अगर आप स्पेसिफिकली किसी ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो आपको लोगों को माफ करना ही होगा। आपको ये चीज समझनी ही होगी कि कुछ बातें जो होती हैं या कुछ पैटर्न्स होते हैं वो जरूरी होते हैं आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर। तो आपके कुछ लाइफ के पैटर्न ऐसे हो सकते हैं, आपकी फैमिली के कुछ ऐसे पैटर्न हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है उस पर बार बार असर आता हो। तो अपने उस फैमिली पैटर्न को आपको हील करना चाहिए। फैमिली पैटर्न हम ऐसे ही हील करते हैं कि हम उन बातों को दोहराते नहीं हैं, या फिर हम उन चीज़ों को, हम उस चेन को ब्रेक करते हैं, या फिर उन बातों को समझते हैं कि वो उनके व्यवहार में क्यों आ रही थी। अगर आपके घर में झगड़ा बहुत होता है, अगर आप
आपके बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार आप नहीं करते या आपके साथ नहीं हुआ है और आपके माता पिता के साथ नहीं हुआ है, तो ये पैटर्न में आ जाती हैं चीजें, ये आपके डीएनए के अंदर आ जाती हैं और फिर ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करना होता है। आपकी फैमिली में फाइनेंसिस को लेकर अगर आपके कोई ऐसे इश्यूज हैं या फिर फैमिली में फाइनेंसिस अच्छे ग्रोथ नहीं, आपकी जो अगर फैमिली में जो पैसा है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, आगे बढ़ते नहीं है, जो फाइनेंसिस हैं आपके ठीक नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर अपने फैमिली इश्यूज को हील करना होगा। क्योंकि आपके पारिवारिक जो शांति होती है जब तक वो नहीं आती तब तक पैसा भी आता। जिनको ये बात लगती हो कि ये बेकार की है, ये रियलिटी है और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि उस घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती जहाँ पर एक तो नारी का सम्मान नहीं होता और जहाँ पर घर में गंदगी रहती है और जहाँ पर कलह रहता है। कभी भी लक्ष्मी नहीं रहती, आप किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन अगर आप पैसे को रोकना चाहते हो तो आपके घर में साफ सफाई होनी चाहिए, पारिवारिक रिश्ते अच्छे होने चाहिए और आपका जो आपस में जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा और बेहतरीन होना चाहिए, नहीं तो एक ना एक दिन वहां से लक्ष्मी जी चली ही जाती हैं। तो ये जरूरी है आपके लिए समझना कि अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए या फिर लाइफ के किसी भी एरिया को हील करने के लिए आपके फैमिली जो इश्यूज हैं उनको जरूर देखिएगा। आपके रिलेशनशिप जो कि अदर रिलेशनशिप है आपके, उनके लिए यहाँ पर मैसेज है, इलनेस इज नॉट अ पनिशमेंट बट ए स्टिमुलेंट टू लाइफ। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कोई भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिला है अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने आसपास के रिश्तेदारों से या जीवन में जो लोग आपको सिखा कर गए हैं, तो वो आपको कोई पनिशमेंट देख के नहीं गए हैं, वो आपको कुछ लर्निंग लेसन दे के गए हैं, स्पेसिफिकली अगर आप ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो या हैं तो यहाँ पर आपको उन सब बातों को इग्नोर करना चाहिए और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उन सब चीज़ों से हील हो सकते हैं। उन सब बातों को, उन सब चीज़ों को आपको अपने दिल के अंदर लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अगेन मैसेज यहाँ पे यही है, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। आपको ये भी समझना होगा यहाँ पर कि आपकी जो फैमिली में जो पैटर्न है, कोई अगर डिसरिस्पेक्ट करता है एक दूसरे की, कोई व्यवहार क्यों कैसा करता है, रिश्ते नहीं निभाते हैं, रिश्ते में कोई अलग तरह की बात, जो सबकी फैमिली है, सबकी फैमिली में अलग अलग तरह से जो रिश्ते हैं उनको, उनमें व्यवहार होते हैं, तो आपकी फैमिली में कौन सा ऐसा पैटर्न है जो कि दोहराया जाता है, जो बार बार जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, क्योंकि आप अपने परिवार को सबसे अच्छा जानते होंगे। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को समझने या देखने की ज़रूरत है कि आपके फैमिली कल्चर में वो कौन सी बात है जो रिपीट होती है, जो कि आपके रिश्तों पर असर डालती है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालती है और आपकी लाइफ में उन चीज़ों को होने नहीं देती जिनको होना चाहिए। आपके जो स्पिरिचुअलिटी के लिए यहाँ पर मैसेज है, वो मैसेज है आपके लिए गॉडेस ऑफ जस्टिस का। ये आपके लिए कर्मा का यहाँ पर कार्ड है। तो यहाँ पर आपसे गॉडेस हैं जस्टिस की, वो यही कह रही हैं आपसे कि यहाँ पर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको जो आपके खुद के जो सेल्फ बिलीव्स हैं, जो आपका खुद का प्रोजेक्शन है, आपको उसको हटाकर एक होल पिक्चर को देखना है। अगेन आपकी इसी हीलिंग की बात हो रही है। तो आपको कहा गया है कि जब आपको ये कार्ड मिलता है तो यहाँ पर आपको गॉडेस ऑफ जस्टिस यही कह रही हैं कि आपको अपनी लाइफ को रिव्यू करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को रिव्यू करना चाहिए और उसको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, यानी कि बर्ड व्यू से या हेलीकॉप्टर व्यू से देखना चाहिए। यानी कि आपको सिर्फ एक जगह से छोटा सोच के नहीं देखना, किसी भी सिचुएशन का आपको बड़ा व्यू देखना चाहिए ताकि आपको सारी बात समझ में आ सके। यहाँ पर आपको कहा गया है कि अपने हार्ट में दयालुता लेकर आइए, अपने माइंड को ओपन कीजिए और ये देखिए कि किस तरह से आप बिना जजमेंटल हुए सारी सिचुएशन को समझ सकते हैं और आगे की तरफ आप बढ़ सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर अपने परिवार को भी आपको जज करने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझना है कि वो चीजें आपकी लाइफ में क्यों हो रही हैं। अगर देखा जाए तो हालांकि ये जो कार्ड है ये सब कुछ आपकी एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही आपको लेकर जा रहे हैं, आपकी जर्नी की तरफ। अवेकनिंग का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है, फैमिली इश्यूज का कार्ड है और यहाँ पे आपके लिए गॉडेस ऑफ जस्टिस का कार्ड है, तो लॉर्ड ऑफ कर्मा का कार्ड है। ट्रुथ और इंटीग्रिटी का मैसेज है, यानी कि जो भी सच है, जो सही है, उसको ही आपको फॉलो करना है और आगे की तरफ बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं इस मंथ में, आपकी स्पेशल टीम की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है होली अमेथिस्ट का, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। तो आपको जो भी सिचुएशन है उसमें आपको फोकस करना है, जो भी आप चाहते हैं उसके ऊपर। इसके लिए भी आपको जो बड़ा पर्सपेक्टिव है या बड़ा व्यू है उसको देखने की जरूरत है, सभी सिचुएशंस को जानने समझने की जरूरत है, उसका निचोड़ निकालने की जरूरत है। आपके लिए वैसे पहले ही जो कार्ड आया है वो कार्ड आया है आपके लिए सिचुएशन को अलग तरीके से देखने का, अलग व्यू से देखने का। आपके लिए जो मून साइकिल्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मंथ में, देयर इज अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। तो जो भी आपके भ्रम हैं कुछ वो बाहर निकल सकते हैं, खत्म हो सकते हैं इस मंथ में। अवेकनिंग का मैसेज है, ओवरऑल आपकी जो भी जर्नी है ये आपकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट लेकर आ रही है, बड़ा चेंज लेकर आ रही है, आपको भी उसके लिए अवेयर रहना चाहिए यहाँ पे।
यहाँ पर आपके लिए जो आपके लिए लेसन है, ये कार्ड है बुद्धि का। ये कार्ड कहता है कि अपने इनर विस्टम का, अपने इंटेलेक्ट का आपको यूज करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर ही सारे सवालों के जवाब हैं। जब आप जीवन को समझ जाते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं और उसको सीख के आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो जो ये कार्ड भी आपसे यही कहता है कि लेट गो कर दीजिए उन इल्यूजन्स को, जो भी आपने भ्रम अभी तक रख रखे हैं उन भ्रम को जाने दीजिए और आपको सिर्फ सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना है। जो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर सॉल्यूशन लेकर आती हैं आपको उन पर फोकस करना है और उसकी तरफ ही ध्यान देना चाहिए। ये समय है आपके लिए, ये मंथ रहेगा आपके लिए जब आप अपने जीवन की एक नई कहानी लिख सकते हैं और कलम आपके हाथ में ही रहेगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए जो न्यू चैनल मैसेजेस हैं उनमें से क्या आपके लिए गाइडेंस या मैसेजेस आ रहे हैं इस मंथ के लिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको क्या गाइड करना चाहती है देखते हैं। ओके, आपके लिए मैसेज है एस्टल रियाम्स का। तो बिल्कुल आप अदर जो वर्ड है, आपके लिए मैसेज भी है यहाँ पे द वर्ड का, आप जो अदर डायमेंशन हैं उनसे कनेक्टेड रहेंगे इस मंथ में, आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो आपको प्रेयर करनी चाहिए अपनी स्पिरिचुअल टीम से। सोल जर्नी का मैसेज है, जैसे कि मैं आपसे कह ही रही थी कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी जो सोल जर्नी है आप उसी पे ही हैं और उसी की तरफ आप जा रहे हैं। इसलिए रेजिस्ट नहीं कीजिए किसी भी चेंज को, जो चेंज आना है उसको आने दीजिए और लोगों के लिए जजमेंटल नहीं होइए। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है आस्क राइट क्वेश्चंस। तो जिन सवालों के जवाब चाहिए पहले आपको उन सवालों को देखना चाहिए कि एग्जैक्टली आप कौन से सवाल कर रहे हैं। आपके सवाल सही होने चाहिए, जवाब आपको अपने आप से ही मिल जाएंगे। रीजेनरेट का मैसेज है और यहाँ पर भी इस कार्ड के द्वारा ही कहा गया है आप रीराइट करेंगे अपनी स्टोरी को। ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मार्क माई वर्ड, ये मंथ आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। प्रीलोडेड जो भी आपके पास पहले से है उसको हल्का करने की जरूरत है। जो भी बिलीफ सिस्टम है, चाहे वो पैसे को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, कैरियर को लेकर हो, अपनी हेल्थ को लेकर हो, जो भी है, ये आपके लिए बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो इसको उसी तरह से लीजिए और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को आपको अट्रैक्ट करना चाहिए जो आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आए। अट्रैक्शन का मैसेज है, तो आपके लिए कोई चीज़ अट्रैक्शन का कारण रह सकती है इस मंथ में। एम का मैसेज है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका फोकस उन चीज़ों पर होना चाहिए जो आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आए। तो आपका फोकस बिल्कुल बना रहना चाहिए इस मंथ में कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं और वही चीजें आपकी लाइफ में होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको रीजेनरेट करना है, रीराइट करना है और अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस क्रिएट करनी है। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे यही चाहती है। तो आपके लिए ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा, जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। चैनल पे नए आए हैं, आपको वीडियो रीडिंग पर कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस रीडिंग को एज ए गाइडेंस लीजिएगा ताकि आप आगे ग्रोथ करके बढ़ सकें। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन आपका काम है कि किस तरह से आप उसको अपना एम बनाते हैं और अपनी सोल जर्नी पर आगे बढ़ते रहते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आपको यहाँ पर यूनिवर्स, आपकी एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम क्या गाइड करना चाहती है। तो आपने पहले ही कार्ड चुना है सपोर्ट का, तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम तो आपके साथ रहेगी इस पूरे मंथ में। वैसे आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है बहुत मजबूत है, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है उसमें आर्चेंजल माइकल, आर्चेंजल गैब्रियल और आर्चेंजल राफेल, ये तीनों ही हैं। आपको हीलर हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं और यहाँ पर आप किसी मिशन पे हैं, यानी कि आपकी सोल का कोई मिशन है। आपको स्टार सीड हो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग इंट्यूशंस हैं आपके बारे में और बहुत ही क्लीन एनर्जीज हैं, बहुत ही अलाइंड एनर्जीज हैं। आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो भी रहा है। जो कुछ भी है आपके लिए बहुत अच्छा है। नाइट ऑफ फायर का कार्ड है आपके करियर के लिए, पैशनेट, एडवेंचरस, सेल्फ एश्योर्ड, रेस्टलेस। तो कुछ ना कुछ बेचैनी रहेगी आपके मन में इस मंथ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने पड़े, या फिर आपको आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि आपको टाइम के अंदर ही नहीं बनना है। आपके लिए वैसे भी कार्ड है लेट गो ऑफ टाइम का। आप जो भी डिसीजन लें इस मंथ में अपने कैरियर को लेकर, तो जिम्मेदारी से लीजिएगा, कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिसमें गैर जिम्मेदारी झलकती हो। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है थ्री ऑफ वाटर का। आपके लिए लोग इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके लिए टीम वर्क इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए कुछ अचीवमेंट है जो कि आपको खुश करके रखेगा इस मंथ में। आपकी स्पिरिचुअल टीम की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। या कुछ भी ऐसा है आपका जो कि आपकी
आप कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर आपके मन में है कि कुछ आप सीखना चाहते हैं। ओवरऑल जो आपकी एनर्जी से बहुत ही खूबसूरत और अलाइंड है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में, अपनी ग्रोथ करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन आपका बहुत पावरफुल हो रहा है इस टाइम पीरियड में। कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए। ट्विन फ्लेम की जर्नी में आप हो सकते हैं। आपका जो सोल का असेंशन का टाइम है ये, और सोल एक्सपेंशन का टाइम भी है। जो कुछ भी है, अदर याम से, अदर डायमेंशन से आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। आपके खाने पीने की आदतों में बदलाव हो सकता है, या फिर आप कुछ इस तरह के चेंजेस करने की सोच रहे हैं जो कि हेल्थफुल हो, हेल्दी हो सकते हैं आपके लिए। यानी कि कुछ हेल्दी चॉइसेस आप करने की सोच रहे हैं इस मंथ में, जो भी है आपको फायदा करके ही जाएगा। ओवरऑल बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके लिए, ये आपके फायदे में ही है, आपकी हेल्प में ही है। आप में से कुछ लोग रेकी हीलर भी हो सकते हैं। तो आपके लिए सेलिब्रेशन का कोई टाइम रहेगा, आपके लिए कोई बर्थ अनाउंसमेंट हो सकता है, कोई वेडिंग की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जो कुछ भी है आपको आपके कैरियर में खुश करके रखेगी। आप आगे बढ़ेंगे, कोई ग्रोथ करेंगे, कोई अचीवमेंट करेंगे और आप खुश होंगे। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है कैसे क्लियर डिलीट का, हालांकि आपके कैरियर में कुछ कहने के लिए ज़्यादा है नहीं, जो कुछ भी है अपने बस कमिटमेंट आप पूरे करते रहिएगा और अपना वो जो होता है कि एक पैशन उसको बनाए रखिएगा। आपका पैशन और आपका कमिटमेंट ही आपके कैरियर में रिजल्ट देके जाएगा। इसके सिवा आपके कैरियर में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है इस मंथ में। कैरियर के लिहाज में जो कुछ भी है बहुत खूबसूरत है। ये कार्ड है आपके फाइनेंसिस के लिए। कैंसर क्लियर डिलीट का मैसेज है। यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म। आस्क द एंजल्स टू कैंसल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। पैसे को लेकर, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, अगर आपने कभी भी कर्ज किया है, खुद को पैसा मुश्किल से मिलता है, दिक्कत होती है, मनी को लेकर कोई बिलीफ सिस्टम है आपका, उसको चेंज कीजिए। मनी अफर्मेशन को दोहराइए। इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्ट कर रखी है, अगर आपको चाहिए तो जो भी पास्ट के इफेक्ट हैं आप उसको कैंसिल क्लियर और डिलीट कीजिए, ताकि मनी के साथ में आपका रिलेशन अच्छा हो सके और आपकी जो फाइनेंसिस हैं वो इस मंथ में सुधर सके। वैसे आपके लिए बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस हैं, जिसमें कोई भी हड़बड़ी नहीं है, कोई भी अप एंड डाउन नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज हैं, इसलिए ज़्यादा बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। फ्रेश एयर का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। डियर आर्चेंजर राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ब्रीथ इजियर इन ऑलवेज। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है खुली हवा में नहीं जा रहे, या कमरे में बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, या फिर अपने में ही बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपको थोड़ा सा बाहर निकलने की, थोड़ा सा इंजॉय लाइफ को करने की ज़रूरत है, जो आप नहीं कर रहे हैं। कुछ समझने की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत है अपने जीवन में। आपको ये भी सीखना होगा कि थोड़ा सा अपने लिए भी समय ज़रूरी होता है, जो कि आप नहीं निकाल रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर का मैसेज है। ये मैसेज है आपके रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो वेट है वर्थ करता है, तो वेट कीजिए, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपके लिए काम कर रही है। डेफिनेटली आप किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं होने का। आपकी जो रिलेशनशिप है अच्छे ही रहेंगे, जो कमिटमेंट आप चाहते हैं वो आपको मिलेंगे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको कोई भी ऐसे रास्ते पर नहीं जाने देगी जहां पर आप भटक जाएं। वो आपको संभाल कर ही रखेगी और आपकी स्पिरिचुअल टीम लगातार आपके साथ में काम कर रही है, जुड़ी हुई है, और आप भी अपने आप पर लगातार काम कर रहे हैं। लेट गो ऑफ टाइम का मैसेज है आपके लिए। तो अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, अपने रिश्तों में समय देने के लिए आपको कितना वक्त चाहिए, अपने आप को समय में आपको नहीं बांधना है। अगर आपके जो अदर रिलेशनशिप है वो सफर कर रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पर आपको समय निकालना चाहिए अपने उन कामों को करने के लिए, अपने रिश्तों को सुधारने के लिए। कुछ मामलों में ये आपको अपने साथ भी रिश्ता सुधारना है, अपनी जो आपकी जो टाइमिंग है उसको भी आपने देखना है। ये भी आपको देखना होगा कि आप पहले किस तरह से चीजें करते थे, अब किस तरह से करते हैं। पुरानी और नई बातों को आप जोड़ने की कोशिश नहीं कीजिए, आप ये देखिए कि अब आप क्या कर सकते हैं। अपने आपको किसी भी ऐसी चीज में नहीं बांधिए कि पहले आप ऐसा करते थे, अब आप ऐसा नहीं कर पाते, तब आप ऐसा करते थे, अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें जा चुकी हैं आपके जीवन से, आप एक स्टेबल पोजीशन में, स्टेबल जगह पे हैं। आपको उसी तरह से सोचना है, इसलिए टाइम में अपने आप को नहीं बांधिए। हालांकि अपने टाइम टेबल को आप जरूर सुधारिए, अगर आपके सोने उठने का टाइम ठीक नहीं है उसको जरूर सुधारिए, लेकिन जिन कामों को आपको करना है उसके लिए एक समय ही निश्चित है आपके लिए, उसके बाद वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप जो काम भी करना चाहते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। आपको खुद पे इन चीजों के लिए विश्वास होना चाहिए। ये जो कार्ड है, ये कार्ड है आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। आपके लिए ये कार्ड कहता है कि आपको इस ये आपके 12 चक्र की बात करता है, आपके जहाँ पे एसेंशन स्टार्ट होता है, एसेंशन होता है, तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं 5th डायमेंशंस के साथ में। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड आपकी उस एसेंशन की बात करता है जहाँ पर आप अदर जो रियाम्स हैं उनके साथ में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न्स के साथ में कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। यूनिकॉर्न से आप प्रेयर कीजिए कि वो आपके जो जितने भी चक्रास हैं उनको हील करें और आपको यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होने में मदद करें, और भी ज़्यादा आपके असेंशन में आपकी मदद करें। तो यहाँ पर अगर आप उन
उनसे हेल्प मांगेंगे तो वो आपकी जरूर यहाँ पर मदद करेंगे, क्योंकि आपका जो जो 12 चक्रा है जो कि असेंशन के लिए अदर याम से आपको कनेक्ट करता है वो ओपन हो रहा है। तो अगर आप उनसे हेल्प मांगते हैं यहाँ पे तो यूनिवर्स आपकी हेल्प जरूर करेंगे आपकी ग्रोथ करने में, आपके आगे बढ़ने में। तो जैसे ही वो आपकी मदद करेंगे आपके आगे बढ़ने में, आपकी ग्रोथ करने में, आपको और भी जो चीज़ें रियलाइज होनी है, जिन चीज़ों के रियलाइजेशन आपको होने हैं वो आपको जरूर होंगे। यहाँ पर आपके लिए, आपके लेसन्स के लिए जो कार्ड है यमस का, ये कार्ड आपसे कहता है कि ये अगेन ये आपकी उस यूनिवर्सल एनर्जी की बात करता है। ये आपसे कहता है कि आपका जो, आपकी जो काइंडनेस है, आपका जो कंपेशन है, आपके अंदर का जो जो आपके अंदर का जो दयालु भाव है वही मैटर करता है इसके लिए भी। आपको अपनी जो भी आप जिन चीज़ों से प्यार करते हैं, जो आपका अच्छा भाव है वो आपको दिखाते रहना चाहिए, आपके अंदर का जो सत्य है वो आपको दिखाते रहना चाहिए। इसके लिए आपको उन बातों पे ध्यान रखना चाहिए जो आपके लिए ट्रूली मैटर करती हैं। आप जीवन में क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जो चीज़ें भी एक्सेस हैं, यानी कि जो चीज़ें आपके लिए लाइफ में ज़्यादा हो रही हैं, उन चीज़ों को आप हटाइए और अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कीजिए, ताकि अपनी लाइफ का जो ये लेसन है आप लर्न कर सकें कि किस तरह से आप जो यूनिवर्स हैं उसके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। ओवरऑल आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए मैसेज है लाइफ फोर्स का, तो एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीजेस। डेफिनेटली आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, आपका रूट चक्रा है, वो बहुत एक्सपेंड कर रहा है, तो उसको भी बैलेंस करने की जरूरत रहेगी आपको। और आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जीज हैं बड़ी रहेंगी, आपका जो जो भी सोचने समझने की जो एनर्जीज हैं वो बड़ी रहेंगी, आपकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल हो रही है। अगेन हायर लर्निंग का मैसेज है आपके लिए, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका असेंशन हो रहा है, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस मोर इन स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो यहाँ पर ये असेंशन आपका जो आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअलिटी में उसके लिए ही हो रहा है। तो आप जो कुछ भी सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, और उसके बाद ही आप किन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं, आपकी जो स्पेशल टीम है यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रही है। देखते हैं यहाँ पे जो न्यू चैनल मैसेजेस हैं वहाँ से आपके लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। ओके तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है न्यू रोड का, नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, आपको भी तैयार हो जाना चाहिए। एस्ट्रल याम्स का मैसेज है आपके लिए भी चैनल मैसेजेस में से। ये चैनल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको नहीं पता होगा, ये नए चैनल मैसेजेस हैं, पुराने वाले अलग रखे हैं। एस्ट्रल याम्स का मैसेज है, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको कनेक्ट कर रही है एस्ट्रल याम से, तैयार रहिए। आर्चेंजल गैब्रियल का मैसेज है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा है आपकी टीम में है आर्चेंजल गैब्रियल। आर्चेंजल माइकल का मैसेज भी है आपके लिए, वो भी आपके साथ हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज का मैसेज है आपके लिए, करियर के लिहाज से भी, फाइनेंसिस में भी, आपकी लाइफ में हर एरिया में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं इस मंथ में। नेचर एलिमेंट्स का यहाँ पर मैसेज है, तो जो पांच तत्व हैं आपके लिए वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनसे कनेक्ट होना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉर्ड गणेशा का मैसेज है, बहुत खूबसूरत। ओके, तो आप हो सकता है लॉर्ड गणेशा के यहाँ डिवोटी हो। साईं बाबा का मैसेज है आपके लिए, तो हो सकता है आप साईं बाबा को भी मानते हो। ट्रैवलिंग का मैसेज है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग आपकी बहुत हो सकती है सोते हुए इस टाइम पीरियड में, यानी कि जो सोते हुए हम एस्ट्रल याम्स में ट्रैवलिंग करते हैं वो भी है, और आप रियल वर्ल्ड में भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लॉस्ट फाउंड का मैसेज है, आप बहुत कुछ पुरानी चीज़ों को ख़त्म करेंगे और नई चीज़ों को अपनी लाइफ में आप लेकर आएंगे, और बहुत कुछ पुरानी चीज़ों से भी आप जो सीख रहे हैं उनको आप अब आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। स्टेबिलिटी का मैसेज है आपके लिए, तो बिल्कुल स्टेबिलिटी आ रही है इस मंथ में आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत और अलाइंड मैसेजेस हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है। तो आप लॉर्ड गणेशा से, साईं बाबा से, आर्चेंजल माइकल से, आर्चेंजल गैब्रियल से इस मंथ में कनेक्ट रह सकते हैं, और यूनिकॉर्न से भी, और जरूर आपकी स्पेशल टीम में ये लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपका ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो और आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन भी चुना है, यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड, ये रीडिंग है आपके लिए। तो आपका जो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ फायर का है, और दूसरा जो कार्ड है वो कार्ड है थ्री ऑफ फायर का। ये दोनों कार्ड ही आपके करियर के लिए निकाले हैं मैंने। क्वीन ऑफ फायर का कार्ड और थ्री ऑफ फायर का कार्ड आपकी क्रिएटिविटी, पैशन, आपके डिसीजन, आपके डिजायर की बात करता है, आपके ड्रीम्स की बात करता है। फायरी एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक उत्साह रहेगा अपने काम को आगे बढ़ाने का, अपने कैरियर में ग्रोथ करने का।
कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने कामों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और आपसे कहा भी गया है कि जिन कामों को करना चाहते हैं उनमें अपनी ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़िए, अपने आप को कम करके नहीं सोचिए, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं किन्हीं कामों को करने की और इंडिपेंडेंस चाहते हैं किसी काम में, तो बिल्कुल आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है अपनी ग्रोथ करने के लिए, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। थ्री ऑफ फायर का कार्ड है आपके लिए, एबंडेंस की बात करता है। थिंग्स लुक्स वेरी गुड, हैव पेशेंस एट दिस टाइम, मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो यहाँ पर आपको दूर तक का सोचकर प्लानिंग करने की जरूरत रहेगी। कुछ लोगों से अगर आप एडवाइस लेना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, आप बिल्कुल ले सकते हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं। आपको जो भी एडवाइस मिलेगी बिल्कुल सही मिलेगी और आप सही रास्ते पर रहेंगे। ये जो भी चीजें हैं, जो भी आपके रास्ते में सिचुएशंस हैं, वो आपकी ग्रोथ के लिए ही आपके लिए आ रही हैं। ये कार्ड है आपके फाइनेंसिस में, हील अवे एडिक्शन का मैसेज है। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर्स दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट डिजायर। आस्क आर्कएंजल राफेल टू हेल्प यू विद दिस हीलिंग। तो अगर मनी को लेकर आपके कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं उनको दूर करने की जरूरत है, और अपने अगर कोई एडिक्शन की तरह है आपके लिए पैसा, या फिर आप उस पैसे से किसी एडिक्शन उस पैसे का यूज किसी एडिक्शन में करते रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उन बिहेवियर्स को लेट गो करने की जरूरत है। या मनी को लेकर आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं जिनको आपको देखने की जरूरत है कि मनी का यूज आप किस तरह से करते हैं। जब पैसा आपके पास में आता है आप उसे उसकी बजटिंग करते हैं या नहीं करते, क्योंकि जो मनी है वो भी वाटर की तरह होती है। और यहाँ पर अगर देखें तो इस एंजल के हाथ से ये सारा पानी बह रहा है, सारा पानी बह के जा रहा है। तो अगर आप मनी रोक कर नहीं रखते हैं, अगर आप पैसे की बचत नहीं करते हैं, तो ये चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में आपसे कहा गया है यहाँ पर वैसे भी, तो अपने पैसे को भी लेकर आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने चाहिए। किस तरह से पैसा आएगा, उसमें क्या खर्चा होगा, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, इसके बारे में भी आपको इस मंथ में सोचने समझने की जरूरत पड़ेगी। जो भी आपके बिहेवियर है मनी को लेकर या आपकी जो थॉट पैटर्न है उनको थोड़ा सा चेंज करने की यहाँ पे जरूरत रहेगी इस मंथ में। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है चेंज फिजिशियन। डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर लीडिंग मी टू द बेस्ट हीलर फॉर दिस सिचुएशन आवी। तो यहाँ पर अगर आपको कोई मेडिकल एडवाइस की जरूरत है किसी प्रोफेशनल से, तो वो आप लीजिएगा। टैरो कार्ड रीडिंग रिप्लेस नहीं करती है किसी भी हीलिंग को, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ के लिए है। आर्कएंजल राफेल एनर्जी लेवल पे आपकी हीलिंग कर सकते हैं, आपको ऐसी एनर्जी सेंड कर सकते हैं जहाँ पर आपको कोई मोटिवेशन मिले किसी के पास जाने का, या किसी के पास मिलने का, किसी से कोई गाइडेंस लेने का। तो वो आपको ही सुनना होगा, उसको सुनकर इम्प्लीमेंट भी आपको ही करना होगा। ओवरऑल आप कोई सी भी रीडिंग सुने, कोई सी भी गाइडेंस आप कहीं से लें, लेकिन जो काम आपको करने हैं वो आपको ही करने हैं। जो एक्शंस आपको लेने हैं, जो अपनी फ्री विल की चॉइसेस हैं आपकी, वो मैटर करती हैं, वो बताती हैं कि आपका भविष्य कैसा बनेगा। ये सारी रीडिंग्स तो सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए है कि आप गाइडेंस लीजिए और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर मैसेज है वेरी सून का। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। अगर अपनी सिचुएशन में कुछ आपको डिसाइड करना है तो वो डिसाइड कीजिए, नहीं तो फिर आपके लिए यूनिवर्स डिसाइड करेगा। और जब यूनिवर्स डिसाइड करेगा तो हो सकता है कुछ बातें आपको पसंद ना आए, लेकिन जो कुछ भी है आपके रिलेशनशिप में कुछ नेक्स्ट होने जा रहा है, कोई नया कदम उठने जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा इस मंथ में। आपके लिए यहाँ पे ये आपके जो अदर रिलेशन है उनके लिए है मैसेज। एक दोस्ती, एक प्यार, एक कंपैशन आपके रिश्तों में होना चाहिए। अपने माइंड को शांत रखिएगा अदर रिलेशनशिप के साथ में। एक कंपैशन होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, ताकि आपका जो हार्ट है वो अदर लोगों के लिए ओपन हो सके विदाउट जजमेंट। तो किसी के लिए आपको जजमेंट नहीं करना है इस मंथ में, और अपने हार्ट को आपको लाइट रखना है, ताकि जो भी मैसेजेस आपकी लाइफ में अच्छे के लिए आपको मिलते हों, रिश्तों को अच्छे बनाने के लिए मिलते हों, वो आप ले सकें। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए जो नेक्स्ट मैसेज आपके लिए जो मैसेज है, ये मैसेज आपसे कहता है कि अपने अंदर की उस ब्यूटी को क्रिएट कीजिए, अपने अंदर की इंस्पिरेशन को जगाइए म्यूजिक के जरिए, आर्ट के जरिए और प्रैक्टिकल वेज में। तो यहाँ पे ये कार्ड भी आपसे यही कहता है कि जो भी आप लिख कर आप पेंट कर व्यक्त करना चाहते हैं, जो भी आपके दिल की इमोशंस हैं उनको आप बाहर निकालिए, एक कम्युनिकेशन कीजिए। साथ ही साथ आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं मास्टर बॉल को, जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके विजन्स को एक्सप्रेस करने में, आपके साथ को क्रिएट करने में। आपके विजन्स, जो भी आपकी आंखों में सपने हैं, उनको कैनवास पे अगर आप उतारना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर कोई ना कोई काम कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग कर सकते हैं, ताकि आपकी जो क्रिएटिविटी है उससे जो आपकी बातें हैं, आपके इमोशंस हैं, वो झलकें। चाहे वो आपके रिश्तों के लिए हो, आपके लिए, आपके कैरियर के लिए हो, आपके मन की कोई इच्छाएं हो, उनको आप लिख कर पेंट करके किसी भी तरह से, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो भी आपके अंदर आपके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, उनके द्वारा आप व्यक्त कर सकते हैं। तो उससे आपको ही हेल्प मिलेगी।
यहाँ पर आपके लिए जो लेसन रहेगा इस मंथ में उसके लिए कार्ड है आत्मन का। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है वो सब आपके अंदर ही है, जो डिवाइन है वो भी आपके अंदर ही है। आपको यहाँ पर इस बात को रियलाइज करना होगा कि आप एक लिमिटलेस पर्सन है, यानी कि जो आपका पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है, आप अनलिमिटेड हैं, आप कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए भी यहाँ पर आपको क्वीन ऑफ फायर का आपसे यही कहता है कि अपने पंखों को खोलो और उड़ान भरो, और जब आप उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं तो आपको गाइडेंस मिलती है, आपके लिए सिचुएशन आपके हिसाब से चेंज होती है। तो यहाँ पर आपको इस मंथ में आप पहुँचेंगे और भी ज़्यादा अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे। ये लेसन आप लर्न करेंगे किस तरह से अपने आप से कनेक्ट होकर आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मेडिटेशन करेंगे तो आपको जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उससे और भी ज़्यादा कनेक्शन भी स्ट्रांग होगा आपका, और आपको जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो भी मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको कभी भी ये लगे कि आपके अंदर स्ट्रेस हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, जेलेसी हो रही है, जजमेंट आप पास कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि ये जो कुछ भी है ये इस अर्थ में है, आपको इससे परे का सोचना है। इसलिए भी आपके अंदर ये कंपैशन की एनर्जी होनी चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर आपको गाइड किया गया है आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो जितना ज़्यादा आप इस बात का ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ने के लिए ग्रोथ होती रहेगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और यहाँ पर आपने जो कार्ड भी चुना है सेल्फ एक्सेप्टेंस का, ये कार्ड भी यही कहता है जब आप अपनी गलतियों अपनी कमियों पर फोकस कर लेते हैं, आपको पता होता है कहाँ आपकी गलतियाँ हैं, कहाँ आपकी कमियाँ हैं, कहाँ आपको क्या सुधारना है, और ये मंथ आपके लिए वैसा ही है। यहाँ पर आप हर उस बात को रियलाइज करेंगे इस मंथ में कि कहाँ पे आपको किस जगह पर क्या सुधारना है और कैसे आगे बढ़ना है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें रियलाइज होंगी, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, आपका कैरियर हो, आपकी फाइनेंसेस हो, आपकी हेल्थ हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप हो। आप सब कुछ सुधारना चाहेंगे अंदर से लेकर बाहर तक, अपने जो रिश्ते हैं वो आप सुधारेंगे, अंदर सुधारेंगे आप अपने साथ में, बाहर सुधारेंगे आप लोगों के साथ में, अपना उस डिवाइन वर्ड से कनेक्शन आप सुधारेंगे, और आपको ये पता होगा कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए, माँ काली का कार्ड आया है आपके लिए, फेसिंग फियर का। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि आप सुधारेंगे, ये आपका मौका है, ये आपके हाथ में वो समय है जब आप अपने हाथ में सारी कमांड लेंगे। और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हो गई हैं माँ काली के आने से आपकी। तो मैं तो वैसे ही आपसे कह रही थी कि आप इन चीज़ों को सुधारेंगे, और आप सुधारेंगे क्योंकि अब आप अपनी फियर्स को फेस करने के लिए इस मंथ में तैयार होंगे। हमारे पास हमेशा ही ऑप्शन होता है कुछ ना कुछ सुधारने का या आगे बढ़ने का। हायर लर्निंग का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो यहाँ पर आपको और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है, अपनी ग्रोथ करने की जरूरत। तो अपनी इस हायर लर्निंग के लिए आपको कुछ सोल के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लेने होंगे। इसके लिए भी आपको उन सारी बातों से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ कर सकें। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं एक्चुअली, और यहाँ पर आपको हेल्प मिल रही है डिवाइन वर्ड से, इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। और यहाँ पर देखते हैं जो नए चैनल मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए, क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रही हैं। ओके ओके, बहुत सारे हैं। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटी, तो न्यू अपॉर्चुनिटी का तो आपके लिए मैसेज आ ही रहा है। यहाँ पे ग्रीन हाउस का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, तो आपके लिए ग्रीनरी जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है, पेड़ों के पास में रहना, उनको देखना, ग्रीन कलर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपको आपकी आईज में भी हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत रहे इस मंथ में, तो आपको ग्रीन कलर ज़्यादा अपने आसपास रखना चाहिए। होल्ड ऑन योरसेल्फ, तो आपको खुद पे यहाँ पे होल्ड करना होगा, यानी कि अपने आप पर आपको यकीन भी करना होगा, खुद को एक्सेप्ट भी करना होगा, और खुद को आपको संभालना भी होगा, आपकी स्ट्रेंथ आप ही हैं यहाँ पे। बहुत खूबसूरत मैसेज है आपके लिए माँ पार्वती का, तो दोनों ही रूपों में माँ आपके साथ में है, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है पजल्स का, तो कुछ पजल्स पजल की तरह आपको लग सकता है कि कहाँ क्या कैसे होगा, वो अपने आप हो जाएगा, आप बस विलिंग रहिएगा चेंजेस करने के लिए। स्टेबिलिटी का मैसेज है आपके लिए, तो बिल्कुल स्टेबल रहेंगे आप और स्टेबिलिटी आएगी भी आपकी सिचुएशन में। लॉर्ड गणेशा का मैसेज है आपके लिए, तो लॉर्ड गणेशा भी हैं आपके साथ में यहाँ पे। साईं बाबा का मैसेज है आपके लिए, साईं बाबा भी हैं यहाँ पर आपके साथ में। आपके लिए मैसेज है मिरर का, तो अपने आप को कुछ मामलों में आपको एक्चुअली मिरर में देखने की जरूरत है कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हैं। कुछ मामलों में ये सच का आईना देखने जैसा है कि अपने आप को आप वो आईना दिखाइए, जिससे कि आपको पता चले कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं या क्या चाहते हैं। डार्कनेस का मैसेज है, तो डार्कनेस के बाद ही आती है लाइट, तो आपको लाइट पे फोकस करना है। और फेजिंग फियर का मैसेज है ही। लोटस फीट का यहाँ पर मैसेज है, तो आप जिनको मानते हैं आप उनके चरण कमलों में
फूल भी चढ़ा सकते हैं। और लोटस फीट मेरे लिए यहाँ पर ये लॉर्ड कृष्णा का मैसेज है, तो लॉर्ड कृष्णा के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं, क्योंकि मैं तो उनके साथ कनेक्टेड हूँ, अगर आप उनके साथ कनेक्टेड हैं तो ये उनके लिए है, या फिर आप जिनको मानते हैं या उनके लोटस फीट भी हो सकते हैं, यानी कि उनके चरण कमल। 11:11 का मैसेज है, आपके लिए नए रास्ते नए दरवाजे खुल रहे हैं, यहाँ पर तैयार रहिए। न्यू कनेक्शन का मैसेज है, तो आपके न्यू कनेक्शन भी बन रहे हैं लोगों से। बॉडी पेन का मैसेज है, अगर आपको बॉडी पेन होता है तो यहाँ पर आपको उनको सुनने की जरूरत है कि आपके शरीर में दर्द क्यों हो रहा है, किस पार्ट में हो रहा है और वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कुछ मामलों में अगर फिजिशियन को दिखाना है तो जरूर दिखाइएगा और अपनी केयर कीजिएगा इस मंथ में, ताकि आपकी हेल्थ ठीक रह सके। अगर आप ऑप्शन ए सुनने का सोच रहे थे तो जरूर सुन लीजिएगा, वहां पर भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, क्योंकि वहां से कुछ मैसेजेस यहाँ पर रिपीट हुए हैं। आई थिंक ऑप्शन ए है या नंबर टू है, आप देख लीजिएगा, ये मैसेजेस रिपीट हुए हैं वहां पर, तो आपको वहां से भी गाइडेंस मिल जाएगी। तो आपका ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। चैनल पे नए आए हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।